Dear students, welcome to all to my channel. In class 9, there are 5 projects. They are the priestess gift, the swimmer who does not need her legs, road safety week, missile man of India, a hero. From which I have already taught you first 3 projects. They are the priestess gift, the swimmer who does not need her legs, and road safety week. Pilamane tumara 5 ti proj bhitaru navamara prathama tinoti complete hei jaichi. Ei video re ame the missile man of India se bisare padhiba. Tenu samaste video ku last porjant dekho. Aa jodi ei sub chapter jaha upload hei jaichi se sub video tume dekhina description re link dihaichi playlist ro na hochi class 9 english videos tapre click kore ki dekhinio. Okay. The missile man of India ताको हमें दुई टी पार्ट करीबा ए पार्ट रे हमें पारा 4 पर जन्तो देखीबा टोटल तुम्हारो 9 टी पारा अच्छी तरुण ए वीडियो रे हमें पारा 4 पर जन्तो पढ़ीबा तरुण समझते निश्चित हवरे वीडियो को लास्ट पर जन्त देखो बहुत इंटरेस्टिंग इजीली बुझी परीबा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जमा भी वीडियो को स्किप करना ही जदी किछि काम अछि काम कंप्लीट करिनियो तापर constantly बसे की वीडियो देखो easily बुझी पारी वो अति सुंदर interesting wonderful chapter. Okay, first title the missile man of India. Okay, first we should read lead in. Think about some great persons of our country who have made our nation proud. You know that great persons जो मैंने हमें उड़ीर कोई चीज़ महापुरुषों माने हमको गर्व अनुभव करांती। We feel proud for the great persons of our country. Okay, I am showing you some pictures of great persons, and I am sure you must have known the great persons. देखो पिला माने डिस्प्ले पर किसी पिक्चर दिया है इसी great person मानकर एवं मु निश्चित जितने समझते इस सब महापुरुषों माने को निश्चित हावरे जानी थी वो. Okay, तो तुम्हें समझते सही सब महापुरुषों मानकर नाम ते टाइप करी नहीं हो वर्तमान ठीक है ची वर्तमान मुस्लिम मानकर ना कोई दो ची दे आर फर्स्ट महात्मा गांधी व्हिच नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन सेकेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थर्ड सुभाष चंद्र बोस हुम वी कॉल नेताजी ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हु इज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक रे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन हाउ डू वी रिमेंबर दीज ग्रेट पर्सन्स लाइक महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एटसेट्रा केमिति आमे तांको नाकू मन रखु. वेरी सिंपल पिला माने कहीं ना से माने हमको गर्व अनुभव करांती तेणु आम मन रखा दरकार केमिति मैं गेस कर से मानकर किसी स्पेसिफिक नेम अच्छे स्वतंत्र नेम अच्छे जहाँ मुझे तुमको वर्तमान कहली एंड आउ केमिति ना बाय सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज एंड डेथ एनिवर्सरीज आम से बर्थडे जन्मदिन एवं डेथ एनिवर्सरी श्राद्ध वार्षिक उत्सव पालन कर मन रखुचु कि नहीं ताले तुम्हें जानी थी वो समझते वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर 14 नवंबर आज चिल्ड्रेन्स डे इन द मेमोरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू देन 23 जनवरी एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे एंड लास्टली वी सेलिब्रेट टीचर्स डे on the birthday occasion of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Okay, ame tanko janmadin samaste palan karuchu ki nahi to samaste school re celebration karo gandhi jayanti ho shishu divas ba children's day netaji jayanti subhash chandra bose ko birthday 23rd january mane pakao and teachers day as birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan september 5 mana achi samastankara yes very good number 3 Can you say who remember as the missile man of India? What do you know about him? Pila mane guess karo.
थिंक हार्ड भाव टेक टाइम डोंट वरी ओके ताले तुम्हें जानी चो मिसाइल मैन आम क्या कहवा तुम्हें अलरेडी डिस्प्ले उपर देखि पार थोर पिक्चर एवं तुम्हें समस्ते ना जानी थो ना कहूना ना वीडियो तो कह भी तुम्हें समस्ते ना कौन मत कमेंट बॉक्स रे जन दियो ओके विषय में डिटेल्स पढ़वा कि नहीं पी मैंने समस्ते इंटरेस्टेड अच वीडियो को लास्ट पर्यंत देख एवं निज फ्रेंड्स मान सहित सेयार कर तो पाने वर्तमान देखा पारा वन तुमको रिडीम कर दूसरी तुम्हें समस्ते मन दे देख अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम बेटर नोन आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आज ही वाज इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स ही केम टू बी नोन आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन 2002 ही वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाज वाइडली रिफर्ड टू एज द पीपल्स प्रेसिडेंट बुझे पाने समस्ते मुझे पढ़ुची केमती प्रोनाउंसिएशन कली समस्त जापार जदि चाहू आउ थे प्लेबैक करके शुणी नि कहीं कि डिफिकल्ट वर्ड अच्छी तुम्हें बोधे से पढ़ी पार नोली भावुची ओके तो अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम बेटर नोन आज वेल नोन आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इफ समवन आस्क यू अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम यू कैन इजिली से तुम्हें सहजरे कहीपर अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम देख टेक्स्ट बुक रे तुम्हारा लिखाई ओके बेटर नोन आज मीन्स वेल नोन आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जहाँ आम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहूचे वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट देयर आर मेनी साइंटिस्ट हुज पिक्चर यू कैन सी ऑन द डिस्प्ले ठीक अच्छे तो से मानकर ना मु पढ़ी दे तुम्हें डिस्प्ले पर तुम्हें से मानकर पिक्चर समस्ते देखिपारुच एवं दे आर फेमस मोस्ट फेमस आम कहीपर ताकर मोस्ट फेमस साइंटिस्ट से माने वर्ल्ड फेमस तेणु से माने जगदीश चंद्र बोस प्रफुल्ल चंद्र लेफ्ट रू पढ़ु सत्येन्द्रनाथ बोस मेघनाथ साह प्रशांत चंद्र महाविनायक गोपाल चंद्र भट्टाचार्य आनंदमोहन चक्रवर्ती सुभाष मुखोपाध्याय सीवी रमन हरगोविंद खुराना होमी जहांगीर भाभा विक्रम साराभाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर श्रीनिवास रामानुजन अशोक सेन डॉक्टर शंकर चटर्जी भलन्युअर एस रामचंद्रन वेंकटरमणम रामकृष्णन जयंत विष्णु नर्लिकर लास्ट बट नॉट लिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम तुम्हें देख ल तुम्हें आपको नोट करी स्कूल पे गोटे प्रोजेक्ट तुम्हें आपको लेकिन चूज कर पार बुझ तेणु ग्रेट साइंटिस्ट मानक भितरे जड़े थे ना आम कहे कौन ना एपीजे अब्दुल कलाम ओके जार फुल फॉर्म आम पढ़ले डिस्टिंग्विश मीन्स नोन और वेल नोन वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ओके आज ही वाज इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम हु एपीजे अब्दुल कलाम वाज इंटीमेटली क्लोजली अति निबिड़ भाव में से इनवल्व होते जड़ित होते बुझे टुक पार्ट इन इंडियाज सिविलियन सिविलियन मीन्स नॉट रिलेटेड टू आर्मड फोर्सेस माने आर्मी अंतर्गत नुह बेसामरिक सामरिक नुह बेसामरिक ओके सिविलियन स्पेस प्रोग्राम महाकाश जनित प्रोग्राम कार्यक्रम एंड मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट एवं मिलिटरी माने आमर सामरिक स्तरीय जहाँ मिसाइल डेवलपमेंट हो क्षेपणास्त्र प्रगति हो प्रचेषार एफर्ट मीन्स प्रचेषार ही केम टू बी नोन आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मन रखा से कौन कह जाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ही हैड कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड एज वेल एज मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स सो
ही इज नोन आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखो किए ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन 2002 ही वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन वाज ही इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 11th राष्ट्रपति से केबे हेथिले निर्वाचित हेथिले ना इन 2002 वेरी इजी and was widely referred, widely known. जहाँ difficult word अच्छी प्लेमन तू नोट करो, difficult word को नहीं कि मुझे क्वेश्चन आंसर difficult word नहीं कि मुझे वीडियो फ्यूचर रहा सिर्फ तुम पकोगे widely means सारा विश्व रे सब बड़े फेमस है इतने नॉन है इतने जोना सुना है इतने लोकप्रिय भावरे परिचित है इतने आज तक पीपल्स प्रेसिडेंट लोको मन का राष्ट्रपति हिसाब रे बुझी हुझी आसीबो पिलामाने पारा आम इंट्रोडक्शन पढ़ले एपीजे अब्दुल कलाम कर फुल फॉर्म जाने नेम रो अबुल फकीर जैनबुद्दीन एवं से मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट मान जन इंटीमेटली क्लोजली इनवॉल्व होते इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिटरी मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट सो ही वाज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ओके एंड 2002 रे से 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड होते पीपुल्स प्रेसिडेंट बोलता से दिनठ जनागला नहीं कि तापरे पढ़ीबा पारा टू ओके समस्त देखिबा मन देखि डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15th October 1931 इन तमिल मुस्लिम फैमिली एट रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बुझुचे यदि क्वेश्चन आसो व्हेन एंड व्हेयर वाज डॉक्टर अब्दुल कलाम बोर्न यू कैन इजिली आंसर पिला माने जे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15th October 1931 केबे ना 15 October 1931 रे से जन्म होते आउ गोटे कथा पे तुम नोट करार्थडे को वर्ल्ड रे स्टूडेंट्स डे हिसाब से सेलिब्रेट कर स्टूडेंट्स डे नॉट चिल्ड्रेन्स डे चिल्ड्रेन डे हूँ बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू तक स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट कराए के 15 October 1931 को से कौट जन्मग्रहण करते होयार आंसर कहींपर तुम्हें इने तमिल मुस्लिम फैमिली तमिल रोटे मुस्लिम परिवार रे आट रामेश्वरम प्लेस होची रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट रो रामेश्वरम रे वेरी इजी पिला माने मन रखी परिवो केबे केउठी हिज फादर जैनबुद्दीन व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर वाज जैनबुद्दीन मन रखी स्पेलिंग जे ए आई एन यू एल ए बी डी डब्ल्यू एन जैनबुद्दीन वाज ए बोट ओनर जने बोट ओनर थे डंगार मालिक थे एंड द इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्क इमाम मीन्स ए रिलीजियस मैन हु लीड्स द प्रेयर इन ए मॉस्क जन धार्मिक लोक जे प्रार्थना बोलांती मस्जिद रे बुझी मॉस्क मस्जिद मॉस्क मान तुम्हें भलाभ जान होयार मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर जो मुस्लिम मैंने प्रेयर दिखती प्रेयर करती बुझी से कौन थे इमाम थे लोकाल मॉस्क से अंचल गोटे मॉस्क आउ जन आउ से बोट ओनर मध्ये थिले क्वेश्चन पढ़ व्हाट वाज हिज फादर यू कैन आंसर अब्दुल कलाम्स फादर जैनबुद्दीन वाज ए बोट ओनर एंड द इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्क हिज मदर आसियामा वाज ए हाउस वाइफ व्हाट वाज हिज मदर एंड व्हाट वाज हर नेम वाज आसियामा एंड सी वाज ए हाउस वाइफ से जो गृहिणी थी हिज फादर ओन्ड ए फेरी फेरी मीन्स बोट बोट जान डा गोटे डा तो बापा कि बापा दैट टूक हिंदू पिलग्रिम्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोड़ी रामेश्वरम आउ धनुषकोड़ी हिंदू पिलग्रिम्स मानक हिंदू तीर्थयात्री मानक नबाणीवा करते बुझे बैक एंड फोर्थ फोर्थ मीन्स फ्रंट जावा आसवा आग पच एपट सेपट डे जाते तुम्हें देखी थो एकूर से कूल को कौट को जाए ना रामेश्वरम रु धनुषकोड़ी बुझे ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଓଲ୍ଡ ଏ ଫେରି ଫେରି ମିନ୍ସ ବୋଟ୍ ଦେ ଟୁକ୍ ହିନ୍ଦୁ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ବୁଝୁଛି କାହାକୁ ସେ ନେଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ବିଟୱିନ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଧନୁଷକୋଡ଼ି ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଇଜିଲି ବୁଝି ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲାମ ୱାଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ଥିଲେ କଲାମ କଲାମ ହାର୍ फोर ब्रदर्स बट दे वेयर फोर ब्रदर्स मैंने चार भाई थे सब सान थे कलाम एंड वन सिस्टर इन हिज फैमिली पर वन सिस्टर ओके हिज फैमिली कंपेरिजेस ऑफ फोर ब्रदर्स एंड वन सिस्टर ओके हिज आनसेस्टर आनसेस्टर मान हूँ पूर्वपुरुष पूर्वपुरुष मान हाड बीन वेल्दी ट्रेडर्स वेल्दी मीन्स रिच धनी
ट्रेडर माने हमें कही परिबा बिजनेसमैन माने धनी थिले व्यवसायी थिले एंड लैंड ओनर्स मन रखिबा व्हाट वी आर हिज एनसेस्टर्स तांकर एनसेस्टर माने थिले पूर्वपुरुष माने बहुत धनी थिले व्यवसायी धनी व्यवसायी एवं जमी मालिक थिले बुझि होचि ना नै बट इन कोर्स ऑफ टाइम किंतु समय स्रोतरे द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स असुविधा समय रे पड़िले से समस्त असुविधा समय आसला समस्त भल समय असुविधा समय आसे पर आसला एंड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज एवं से माने तांकर संपत्ति हराई बसिले प्रॉपर्टीज संपत्ति इवेन देयर एनसेस्ट्रल होम एपरिक तांकर एनसेस्ट्रल पैतृक घर मध्य से माने हराई बसिले दे लॉस्ट देयर एनसेस्ट्रल होम एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज ऑल सब हराई बसिले से माने बाय हिज अर्ली चाइल्डहुड तांको पिला बेला आसीबा बेलकु द फैमिली हैड ऑलरेडी बिकम पुअर तांको परिवार सेतबेले पुअर हो जाइला कलाम हाड टू सेल न्यूज पेपर्स टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम कलाम को कौन करा पड़ा कलाम हाड टू सेल व्हाट न्यूज पेपर्स खबर कागज को तुम जान टू सप्लीमेंट टू आड समथिंग टू इम्प्रूव पर उन्नति बापा इनकम को टे हेल्पफुल हैंड देवाई टे अधिका इनकम हाँपाई से निजे कौन करते सोल्ड न्यूज पेपर्स खबर कागज बिकुले बिकाक पड़ूला कहीं टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम पारिवारिक इनकम इनकम आय अधिक इम्प्रूवमेंट करने बुझेगा ये आम अबाउट चाइल्डहुड मान पाद कथा लिखाई के जन्म होते माँ बापा कौट जन्म होते बापा कौन करुले माँ कौन करुले सब से कथा लिखाई एनसेस्टर्स पूर्वपुरुष मान कथा लिखाई तुम इजिली सब लाइन बुझीपारे मुझे भावुँ बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे पे आगे डिस्कशन हे तुम समस्ते मन देखे बुझ तापर पारा थ्री देखा कलाम स्टार्टेड हिज एलिमेंटरी एजुकेशन आट रामनाथपुरम ताले व्हेयर डिड कलाम स्टार्ट हिज एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन मीन्स प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा से कौट पढ़ते ना आट रामनाथपुरम क्वेश्चन मन रखिबो ही हैड ए साइंस टीचर नेम्ड शिव सुब्रमण्यम आयर ताले व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज साइंस टीचर तांको विज्ञान शिक्षक ना कौन थिला यू कैन आंसर शिव सुब्रमण्य आयर हु वाज वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट बहुत स्नेही छात्र वत्सल थे पे आफेक्शन करुले स्नेह प्रदान करुले बहुत केयरिंग थे आम कहींपर मन रखा आटीच्यूड क्वेश्चन पड़े तुम लिखिपर जे साइंस टीचर नेम्ड शिव सुब्रमण्यम आय वाज वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट तर आटीच्यूड मन रखा पे ओके ही अलवेज इंस्पायर्ड कलाम टू डेवलप हिज स्किल्स सो दैट He could compete with highly educated people in big cities. ताले से कौन इंस्पायर कहा को इंस्पायर करते ले ना his science teacher always inspired सब प्रेरणा तो उतले कलाम को कौन पाई ना to develop his skills ताकर स्किल बाद दक्षता जहाँ रही ची ताकर develop करे पाई improve करे पाई so that ताफलो रे he could compete he could टेक् पार्ट हि कुड पार्टिसिपेट से भाग नहीं पारे अंशग्रहण करें मिसी पारे विथ हाइली एजुकेटेड तो पीपल हु वे आर हाइली एजुकेटेड मान उच्च शिक्षा पाई अधिक शिक्षा थी लोगों सहित ये मिसी पारे भाग नहीं पारे इन बिग सिटी से प्रेरणा देते किए हिज साइंस टीचर नेम्ड शिव सुब्रमण्यम आयर से बहुत लविंग अफेक्शनेट थे सब बेले कलाम को इंस्पायर करुले स्किल को डेवलपमेंट जमी से टेक पार्ट करें कंपीट करें विथ हाइली एजुकेटेड पीपल इन बिग सिटीज बड़ा बड़ा सहर मानक उच्च शिक्षित लोक मान सहित ये ताल दे पारे ओके वन्स ही इनवाइटेड द बॉय होम फॉर ए मिल हु वाज द बॉय एपीजे अब्दुल कलाम थे से इनवाइटेड करते निमंत्रण करते हु ना हिज साइंस टीचर निमंत्रण करते क्या ना द बॉय एंड द बॉय वाज कलाम होम फॉर ए मिल व्हाई क्वेश्चन पड़ो कहीं फॉर ए मिल गोटे मिल गोटे भोजन ह्विच हिज वाइफ डिसलाइक्ड हुज वाइफ हिज साइंस टीचर्स वाइफ डिसलाइक्ड से डिसलाइक करते घृणा करते एंड रिफ्यूज टू सर्व ए मुस्लिम चाइल्ड लाइक हिम बिकज आम पढ़ी आगुरी जेहे जो मुस्लिम चाइल्ड थे एपीजे अब्दुल कलाम हि रिफ्यूज सरी सी रिफ्यूज हु मिस्टर शिव सुब्रमण्यम वाइफ
refused to serve a Muslim child like him. His teacher himself served Kalam, his science teacher. ତାଙ୍କର ସର୍ଭଡ଼ କଲେ, ଗିଭ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଥିଲେ, ନିଜେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କଲାମକୁ. ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ୱାଚ୍ଡ ଦେମ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କିଚେନ୍ ଡୋର୍, କିଚେନ୍ ଡୋର୍ରୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ. ବଟ୍ ହିଜ୍ ବିହେଭିଅର୍, ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ମିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିଂ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ହର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍. ବଟ୍ ହିଜ୍ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା କଲାମ, କଲାମଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍, ବ୍ୟବହାର, ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ମିଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ନେବାର ଶୈଳୀ, ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିଂ ଦ ଫ୍ଲୋର୍, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ଲୋର୍ ଚଟାଣକୁ ସଫା କରିବା, ଚେଞ୍ଜଡ୍ ହର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍. ଚେଞ୍ଜ କାହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା ନା ହି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ସ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ଙ୍କର ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା. ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ କଲାମ ଫର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ କଲାମକୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱେଲକମ୍ଡ ହିମ୍, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ ହିମ୍ ଫୁଡ୍ ହର୍ ସେଲ୍ଫ, ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିକି ଦେଇଥିଲେ. ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବାଉଟ୍ କଲାମଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ସ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହାଉ ହର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ୱାଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍, କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ. ଓକେ, ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାରା ବୁଝିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଦେଖିବା. ଫୋର୍, କଲାମ ଦେନ୍ ମୁଭ୍ଡ ଟୁ ସ୍କ୍ୱାଜ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍. ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଜ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ. ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ. ବୁଝିହେଉଛି? ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଲେ? ଇନ୍ ହିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇୟର୍ସ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏତେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ଗ୍ରେଡ୍ ନଥିଲା, ଆଭରେଜ୍ ଥିଲେ ସେ, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲେ. ବଟ୍ ୱାଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ଼ ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କନ୍ସିଡର୍ କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାହଉଥିଲା ଆଜ୍ ଏ ବ୍ରାଇଟ୍, ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ବା ଚମତ୍କାର ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡିଜାୟାର୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା. ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏସ୍ପେସିଆଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହି ଲାଇକ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏସ୍ପେସିଆଲି, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼ାରେ ବିତାଉଥିଲେ. ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇୟର୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ କଲାମ ୱାଜ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ସ କଲେଜ. କଲାମ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ସ କଲେଜରେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, ହୁଆର୍ ହି ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ଼, ଯେଉଁଠି ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସରେ ଇନ୍ 1954 ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍. ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଲାଇଫ୍ର, ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍, ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ହେବାର. ସୋ ହି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଟ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି. ତାପରେ ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ହୁ କଲାମ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କେଉଁଠି ନା ଆଟ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି. ହି ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, କଲାମ ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, କଲାମକୁ ବଛା ହେଲା ବା ସେ ପାଇଲେ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍. ବଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ ସଚ୍ ଏ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼୍, ଆଡ଼ମାୟର୍ଡ଼୍, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି, ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଫେୟାର୍, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମିନ୍ସ ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି, ଆମେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏରେ କହୁଛେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା. ଆରାଉଣ୍ଡ 1,000 rupees ୱାଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼୍ ଟୁ ପେ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ କୋର୍ସ ଫି, ପାଖାପାଖି 1,000 rupees ତାଙ୍କୁ କୋର୍ସ ଫି ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା. ଅସୀମ ଜୋହରା ଇଜ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଏଲ୍ଡର୍ ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର କମ୍ପାସନେଟ୍ ମିନ୍ସ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଲ୍ଡର୍ ସିଷ୍ଟର, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୀମ ଜୋହରା, ମନେ ରଖିବା. କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହେଲ୍ପ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସି ଡୋନେଟେଡ଼୍ ଦ ମନି, ସି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଦ ମନି. ଓକେ, ସି ମୋଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି. ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ। ଜାଣିଛ ତୁମେ ମର୍ଗେଜ୍ କ'ଣ? ଟୁ ପୁଟ୍ ଅର୍ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଗୁଡ଼୍ସ ଅର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଟୁ ସମ୍ୱାନ୍ ଫର୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ମନି, ଟଙ୍କା ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବା, ବୁଝୁଛୁ, ବନ୍ଧା ପକାଇବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ। ଅର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଆଣ୍ଡ ହି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ 1960, ଏବଂ 1960ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ, ବିମାନ ଏବଂ ମହାକାଶଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପାରା 4ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ କଲାମଙ୍କର, ବୁଝିହେଉଛି, ଏବଂ ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହାଉ ହର୍ ସିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବ, ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ପାରା ଯାହା ରହିଲା 5, 6, 7, 8 ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସାରୀ ପଢ଼ିଦିଅ। ତା ସହିତ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହା ଭିତରୁ ଯେତିକି ତୁମର ପଢ଼ା ହେଇଛି ପାରା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସେତିକ କରିପାରିବ ଅପ୍ ଟୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନମ୍ବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପାରା ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଅଲ୍।